जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और इस वीडियो में आइए हम फाइनली बात करते हैं अवध यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर सेकेंड सब्जेक्ट असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च अधिगम का आकलन एवं क्रियात्मक अनुसंधान के पहले यूनिट के बारे में। दोस्तों अब तक 5-6 साल में जितने भी सवाल आपसे पूछे गए हैं इस यूनिट से, ये यूनिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यकीन मानें, इस यूनिट से आपको कम से कम 25-30 नंबर के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अब आप कहोगे सर एक ही यूनिट से कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक यूनिट से लॉन्ग आंसर 15 नंबर का सवाल तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, दो सवाल आपको देखने को मिलेंगे शॉर्ट आंसर में। अगर मान लीजिए एक ही जिसमें करना हो तो 8 नंबर के सवाल आपको वहां से मिल जाएंगे, और कम से कम दो सवाल आपके मिलेंगे सेक्शन ए में जिसमें आप एक नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो तीन सवाल कन्फर्म यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर आप बात करें तो कम से कम 23-25 नंबर का सवाल तो आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला यूनिट हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च, बात हम किसकी कर रहे हैं, अवध यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर। बहुत स्वागत है आपका। आइए देखते हैं कि सवाल क्या है और कैसे पूछे जाते हैं। इसमें हम सिलेबस को देख लेंगे अगले यूनिट में वन बाई वन करके, आप समझ जाएंगे ना, तो आप यहीं से आप लिख सकते हैं। पर आइए जरा एक नजर इस पर डाल लेते हैं। चलिए देखिए, हम बात कर रहे हैं किसकी दोस्तों, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च अधिगम का आकलन और क्रियात्मक अनुसंधान। कोशिश करेंगे दोनों लैंग्वेजेस में चले। आपका जो पहला यूनिट है उसका पहला यूनिट का नाम है आकलन और मूल्यांकन, आकलन और मूल्यांकन का परिपेक्ष, द परस्पेक्टिव इन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशंस। अब इसका मूल्यांकन का परिपेक्ष में देख लीजिए, पूरा यूनिट समझ में आ जाएगा। तीन मुख्य सवाल है दोस्तों, इन तीन में से एक सवाल आपको लॉन्ग में देखने को मिलेगा, कन्फर्म देखने को मिलेगा, एक शॉर्ट में आपको देखने को मिलेगा, कन्फर्म देखने को मिलेगा। ये शॉर्ट क्लिप आप अपने पास रखिएगा, एग्जाम के बाद मैं रिव्यू करूंगा तो आपको नजर आएगा कि इसमें से एक सवाल पूछा गया। जो पहला यूनिट का आपका अगर सिलेबस की बात करें, आकलन का अर्थ, असेसमेंट किसे कहते हैं, आकलन किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत और इसके उद्देश्य, ये यूनिट है आपका। अब मापन, आकलन और मूल्यांकन में संबंध, यही वो सवाल है दोस्तों जिसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कहता हूँ। आप जितनी बार का भी पेपर देखेंगे ना, तो कोई जरूरी नहीं कि तीनों पूछेगा, कभी कभी पूछ देगा मापन और मूल्यांकन में संबंध बताइए, या मापन और मूल्यांकन में अंतर बताइए, या आकलन और मूल्यांकन पूछ देगा, या फिर कभी कभी तीनों पूछ देगा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि मूल्यांकन अक्सर आपसे पूछता है। तो क्या है भाई, मापन, आकलन और मूल्यांकन में आपको संबंध बताना है। थर्ड पॉइंट क्या है, इन्हीं का एक पार्ट होता है जिसे हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं, जिसे हम कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहते हैं। तो इसके बारे में भी आपसे सवाल पूछ देता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है। तो यहाँ से आपको एक सवाल आपको यहाँ पर पढ़ना है, वो क्या है दोस्तों, मापन, आकलन, मूल्यांकन, इसको समझ जाना है। और मूल्यांकन के जो प्रकार हैं दोस्तों, सतत और व्यापक मूल्यांकन, इसको आपको जान लेना है। इन तीन से कम आपको दो सवाल, एक तो लॉन्ग में तो ज़्यादातर यही पूछता है, मापन, आकलन और मूल्यांकन के बीच संबंध, और सतत व्यापक मूल्यांकन। इसके अलावा जो आपके पहले यूनिट में है वो ये है दोस्तों, अब असेसमेंट के कुछ प्रकार, कुछ फॉर्म दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए असेसमेंट का मतलब समझ रहे हैं आप क्या होता है, मापन, आकलन, मूल्यांकन का समझ रहे हैं आप। जैसे मान लीजिए टीचर बन गए, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं ना, बीच बीच में आप उनसे सवाल पूछते हैं। कुछ सवाल आपने पूछ लिया, आपने वो सवाल वास्तव में क्यों पूछा, आप ये जानना चाहते हैं कि आप जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो बच्चे को समझ आ रहा है कि नहीं। वास्तव में इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आकलन कहते हैं। मापन एक साधारण तौर पे छोटे शब्दों में कहा जाता है, उससे बड़ा रूप आकलन होता है, उससे बड़ा मूल्यांकन होता है। और जब बात एक्सप्लेन किया ये, तो मैं थोड़ा सा आपको एक बात, जनरली अगर मापन के टर्म में बात करें तो मान लीजिए आप किसी की हाइट मेजर कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक मापन हो गया। तो नियमतः जब हम किसी क्रिया या किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को जब हम नंबर में डोनेट कर देते हैं, जब हम किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को नंबर में दे देते हैं, यानी कि जब किसी की विशेषताओं को हम अंक दे देते हैं ना, तो वो जनरली मापन कहलाता है। अब उस अंक का जब आप अर्थ निकालते हैं, मैं एक एग्जाम्पल, आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आपने देखा, आपने कुछ टेस्ट किया और आपने देखा कि बच्चा 50 में 40 नंबर पा रहा है, तो वो जो अंक देने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहेंगे, मापन कहेंगे, ठीक है। अब आप उस 50 नंबर के बाद आप देख रहे हैं कि बच्चा इस सब्जेक्ट में अच्छा है, इस सब्जेक्ट में कम है, आप जब उनका अर्थ निकालते हैं, ठीक है, जब मापन की प्रक्रिया का जब आप अर्थ निकालते हैं, जब आप मापन की प्रोसेस को जब आप मीनिंग देते हैं, तब ये आकलन बन जाता है कि आप उसके बारे में कुछ आकलन कर रहे हैं कि इस किस लेवल का है, किस लेवल का पढ़ता है, ये इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। तो आप जब इसको कहेंगे तो वो आकलन की प्रक्रिया हो जाएगी। सिमिलरली मापन के बाद आकलन, और आकलन के बाद जब मूल्यांकन की बात करें तो आप जब उसका वैल्यू निर्धारित करते हैं, इवैल्यूएशंस, जब उसका वैल्यू डिसाइड करते हैं कि वास्तव में इसकी स्थिति क्या है, ये कितना लेवल पर है, ये क्लास का कौन सा रैंक स्थापित करता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए वो बच्चा 50 में 40 पा रहा है, लेकिन क्लास का सबसे लास्ट बच्चा है। जब क्लास का लास्ट बच्चा है तो आप इवैल्यूएशन में ये पाएंगे कि नहीं, इसे और मेहनत करने की जरूरत है,
ठीक है। अगर आप जनरली मैं आपसे कह दूं कि मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरा बेटा 50 में 40, आप कहोगे सही है, अच्छा है पढ़ने। लेकिन अगर 50 में 40 सबसे लास्ट है तो आप कहोगे यार फिर तो उसे और मेहनत करने की जरूरत है। तो इसी को इवैल्यूएशन, बस यही हल्का सा डिफरेंस है, जब हम इसको पढ़ेंगे ना तो अब आगे समझ में आएगी। वो बात चली थी तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता था। अब ये असेसमेंट के कुछ फॉर्म, अब जैसे आप यहाँ तक समझ गए आकलन मापन मूल्यांकन, तो कुछ फॉर्म भी हो सकते हैं। फॉर्म जैसे मान लीजिए उद्देश्य के आधार पर, देखिए ये अगर आप चार्ट बना देंगे, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है और आप ये चार्ट बना देते हैं, गर्मी हो रही है ना, इट्स फाइन, हाँ अगर आप ये चार्ट बना देंगे ना तो एग्जामिनर आपसे खुश हो जाएगा। वास्तव में ये पूरा आपका कुछ है और नहीं, सिलेबस ही है सिलेबस। अब यहाँ पे देखिए उद्देश्य के आधार पर, पर्पस के आधार पर, स्कोप क्षेत्र के आधार पर, एट्रीब्यूट ऑफ मेजरमेंट और नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन गेदर्स, मोड ऑफ रिस्पॉन्स, नेचर ऑफ द इंटरप्रिटेशन और कॉन्टेक्स्ट। हिंदी में भी सेम चीज़ को लिखा गया है दोस्तों, उद्देश्य के आधार पर, मापी गई विशेषता के आधार पर, दायरा क्षेत्र स्कोप की बात कर लें, अब प्रतिक्रिया का तरीका, एकत्रित जानकारी की प्रकृति, व्याख्या के प्रति प्रसंग, तो ये चीज़ें हिंदी में भी लिखी गई हैं। अब यहाँ से देखिए, जैसे मैं पर्पस की बात कर दूँ तो बस थोड़ा सा समझ जाइए। पर्पस, आप किसी बच्चे का इवैल्यूएशन करते हैं, इसके कुछ पर्पस होते हैं। पर्पस में जब आप इसको पढ़ेंगे तो जैसे पहला मान लीजिए प्रोग्नोस्टिक। प्रोग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है, जब आप किसी बच्चे का आकलन या मूल्यांकन इस नियत से, इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि उसके भविष्य के बारे में कुछ निर्णय ले सके, मतलब ये ना क्या कहते हैं, भविष्यात्मक निर्णय, प्रेडिक्शन समझ लीजिए, उसके बारे में कुछ प्रेडिक्शन करना है, तो वो इस फॉर्म के अंतर्गत आता है। फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव को रचनात्मक कहते हैं हिंदी में। अब मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस इसको एक्सप्लेन अगले वीडियो में करेंगे, बट आपको समझा दे रहा हूँ। फॉर्मेटिव को हम क्या कहते हैं, रचनात्मक कहते हैं। रचनात्मक मान लिए यह वो प्रक्रिया है, रचनात्मक वो आकलन या मूल्यांकन है जब हम किसी प्रक्रिया के दौरान करते हैं। मान लिया बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसी दौरान आपने सवाल पूछा और आपको लगा कि ये अभी नहीं सीख रहा, तो आप उसमें इंप्रूवमेंट कर देंगे, ठीक है। डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक को हम निदानात्मक कहते हैं। निदानात्मक का मतलब जब आप कोई कारण जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण है कि वो, अच्छा जो मापन आकलन मूल्यांकन कोई जरूरत नहीं कि जैसे कोई बच्चा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो भाई क्या कारण है कि पढ़ने में मन, हो सकता है उसे किसी बात का डर हो, या हो सकता है उसका रुचि कहीं और हो, या हो सकता हो वो टीचर से डर रहा हो, टीचर से वो अच्छा रिलेशन नहीं, तो कुछ कारण हो सकता है। तो जब हम कारण जानने के लिए कहते हैं तो वो डायग्नोस्टिक होता है। और दूसरा दोस्तों समेटिव, समेटिव को शायद योगात्मक कहते हैं हिंदी में। यह दोस्तों यह आकलन प्रक्रिया के अंत में निर्णय लेने के लिए की जाती है। जैसे मान लीजिए आपका फाइनल ईयर एग्जाम है, आपका वाइवा है, तो अब मान लीजिए वाइवा में अगर कोई बच्चा गलत जवाब दे रहा है तो आप वहाँ पे उसके ए प्लस या बी प्लस आप मार्क दे के आगे बढ़ जाएंगे। तो ये योगात्मक कब करते हैं, हम करते हैं किसी भी प्रक्रिया के अंत में। तो चलिए हम पूरा पढ़ नहीं रहे हैं, पूरा समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसको तो समझा जाएगा अलग वीडियो में। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूनिट वन में दोस्तों, यूनिट वन में 3 सवाल आपको मैं पढ़ाऊँगा और इन 3 सवालों में से सवाल आपका आएगा। जैसे आकलन क्या कहते हैं, इसकी अर्थ परिभाषा ये जानना है आपको, आकलन मूल्यांकन मापन में क्या अंतर है, संबंध ये जानना है आपको, और सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है ये जानना है आपको, ठीक है। और जब बात आएगी फॉर्म की, जब बात आएगी फॉर्म की दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, एग्जाम में ऐसा चार्ट बनाएंगे और इस चार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन में थोड़ा बहुत और कर देता हूं, क्षेत्र के बारे में, स्कोप के बारे में, जैसे टीचर मेड स्टैंडर्डाइज, जैसे मान लीजिए आप असेसमेंट बना रहे हैं तो एक शिक्षक निर्मित होता है, एक स्टैंडर्डाइज, एक मानकीकृत होता है, ठीक है। ये शब्द पूछे जाते हैं, जैसे मानकीकृत परीक्षण या मानकीकृत आकलन मापन से आप क्या समझते हैं, इस तरीके के सवाल आपसे पूछा जाता है। एट्रीब्यूट मेजरमेंट, अचीवमेंट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, ये बच्चों का आप अचीवमेंट, इसको हम कहते हैं अचीवमेंट को क्या कहते हैं, इसको शायद कहते हैं हाँ उपलब्धि परीक्षण, हिंदी में कहते हैं उपलब्धि परीक्षण, ठीक है। अब नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन गेदर्ड, क्वालिटेटिव, ये रिसर्च का एक टॉपिक है, क्वालिटेटिव अप्रोच और क्वांटिटेटिव अप्रोच। आप बच्चे का जब इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो आप क्वालिटेटिव उसकी गुणों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी मात्राओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कुछ फॉर्म होते हैं असेसमेंट के। सारा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये ग्राफ आप जरूर याद रखिएगा। मोड ऑफ रिस्पॉन्स, बच्चे से आप एग्जाम ले रहे हैं कैसे, ओरल पूछ रहे हैं, ठीक है, रिटेन पूछ रहे हैं, ठीक है, सिलेक्शन एंड सप्लाई, आप इस तरीके से ओरली, रिटेन, कई मोड ऑफ भी तो हो सकते हैं, किस तरीके से आप बच्चे का असेसमेंट कर रहे हैं, तो ये फॉर्म होता है दोस्तों। नेचर ऑफ इंटरप्रिटेशन, नॉर्म रिफंड और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। कंटेक्स्ट की बात करें, इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट दोनों तरीके से हो सकता है। इंटरनल मान लीजिए कॉलेज वाला खुद कर रहा है, या फिर एक्सटर्नल मान लीजिए बोर्ड एग्जाम्स कर रहा है, या बच्चा खुद में भी तो असेसमेंट कर सकता है ना, वो बच्चा खुद से कर रहा है तो इंटरनल हो जाएगा, कोई बाहरी व्यक्ति कर रहा है तो एक्सटर्नल हो जाएगा। तो देखिए मैं सिंपल से आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि मज़ा आने वाला है, ठीक है, मज़ा आने वाला है। इस वीडियो में आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ या कुछ बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आपको एक्टिव करना चाहता हूँ, मैं खुद को भी एक्टिव करना चाहता हूँ। मैं बस चेक कर रहा हूँ कि मेरा वो पुराना वाला फॉर्म है कि नहीं है, वो तो आपका कमेंट पढ़ के पता चलेगा।
पहले हिंदी मीडियम वाले भी देख लीजिए, हिंदी मीडियम वाले कहेंगे कि अरे आपने इंग्लिश में बोल दिया। और हालांकि मैं ऐसा कुछ नहीं कि इंग्लिश में बोल दिया, मतलब हिंदी ही तो बोल रहा हूँ ज़्यादातर। हालांकि मैंने अपना बीएड इंग्लिश में दिया था, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों का ख्याल रखूँ। तो ये आप स्क्रीनशॉट बेशक आप ले सकते हैं, हिंदी वाले लोग आप ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इंग्लिश वाले लोग ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी हम वन बाय वन करके एक्सप्लेन करते हैं। देखिए सबको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जब नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे तो ये वाला तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम ये तो देखेंगे ही देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे कि मापन, आकलन और मूल्यांकन क्या होता है और इन तीनों में संबंध क्या होता है। तो आप, मैं आशा करता हूँ कि बोर तो नहीं हुए होंगे। क्या हुआ, बोर हो गए आप? नहीं नहीं ऐसा मत करिए आप लोग, ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? अभी तो पढ़ाई शुरू करनी है भाई, अभी तो पढ़ाई शुरू कर। देख रहे हो भाई, गर्मी में फ़ैन इसलिए बंद करके रखा हूँ क्योंकि नॉइज़ से आपको डिस्टर्बेंस ना हो। ना 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 ना, आपको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, समझ में आ रही बात? तो बस एक एक्टिव था, एक आइस ब्रेकिंग वीडियोस थी ये, और मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी, समझ आया होगा। तो ज़रा एक्टिव हो जाइए और एक काम करिए, एक नोटबुक बनाइए, एक कॉपी बनाइए और उस पर लिखिए अवध यूनिवर्सिटी बीएड सेकंड ईयर पेपर टू असेसमेंट ऑफ लर्निंग एक्शन रिसर्च यूनिट वन डालिए। और यूनिट वन डालने के बाद कुछ पॉइंट वहाँ पर नोट कर लीजिए, जिसमें आपका पहला पॉइंट होना चाहिए मापन, आकलन, मूल्यांकन, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अर्थ, विशेषताएं, परिभाषा और आपस में संबंध। समझ में आ गई बात? क्या करेंगे, मापन, आकलन, मूल्यांकन, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और आपस में संबंध, ये आपका पहला सवाल। आपको इसके बारे में नोट्स लिख लेना है एग्जाम से पहले, क्योंकि ये वो सवाल है जो एग्जाम में आएगा। फिर उसके नीचे लिखिएगा सतत और व्यापक मूल्यांकन, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, ठीक है। उसके बाद इस ग्राफ को बना लीजिएगा, ये आपको कंप्लीट यूनिट वन में पढ़ना है, ये आपका यहीं से आपका सवाल आएगा। जब मैं इसके बाद वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको दिखा भी दूंगा प्रूफ के तौर पर कि कितनी बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। अगर आपके पास अनसॉल्व है तो वहाँ से आप ले लीजिएगा, देख लीजिएगा, बहुत बार ये सवाल पूछा गया। चलिए, इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन और वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, यकीन करते हैं, तो आपकी उस यकीन पे हम यकीन करते हैं और आपके लिए हम मेहनत करेंगे, ज़रूर मेहनत करेंगे। इस वीडियो में बस एक आइस ब्रेकिंग आपको यूनिट वन के बारे में एक्सप्लेन करना था। अगली वीडियो में हम वन बाई वन पूरा पॉइंट वाइज पॉइंट नोट्स के तौर पे देखेंगे, क्योंकि देखिए एक्सप्लेन कर देना तो आप समझ गए, लिख तो लेंगे ही, मुझे इतना यकीन है। लेकिन थोड़े से और पॉइंट जब आप पीडीएफ में देखेंगे ना, उस वीडियो में देखेंगे, तो आपको कुछ और वास्तव में बीएड होता क्या है, कुछ नहीं, लिखना खुद से ही है, बस थोड़ा सा शब्द ज्ञान, थोड़ा सा मतलब, क्योंकि आपको भी पता है अब प्रैक्टिस करे थोड़ा सा टाइम हो गया, लिखे हुए थोड़ा सा टाइम हो गया, तो जब एक बार वीडियोस देख लेंगे तो वो पॉइंट दोबारा से याद या रिकॉल हो जाता है, रिवीजन हो जाता है और आपको आसानी होती है लिखने में। तो बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, इंतज़ार करिएगा, मैं सेकेंड वीडियो जरूर बनाऊँगा और उसमें मैं इस पूरे यूनिट को एक्सप्लेन करूँगा जहाँ से आपको एग्जाम्स में लिखना है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। कमेंट में अपनी राय प्रतिक्रिया देना ना भूले, मुझसे जुड़े रहिए, मुझे खुशी होती है और मैं एक्टिव तौर पे आपके लिए काम करने वाला हूँ, आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूँ, उसके लिए मुझे आपके सहयोग का बहुत इंतज़ार रहेगा। अपने अन्य दोस्तों तक शेयर करिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि जुड़िए, मैं कभी फीस या पैसा ये सब नहीं मांगता, बस मांगता हूँ तो आपका कीमती समय, और उस कीमती समय पर मैं ज़रूर आपके लिए बेहतर से बेहतर आपको रिजल्ट दे सकता हूँ, उसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगा। तो वो मुझे दीजिएगा, अपना साथ दीजिएगा, बने रहिएगा चैनल से, अपने अन्य दोस्तों को जोड़िए, कॉलेज फ्रेंड में आप भेज सकते हैं, कॉलेज ग्रुप में आप इसको भेज सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई संबंधित है। और मेरे चैनल से जुड़े हुए बच्चों को मैं आश्वासन देता हूँ, राजनीतिक, पॉलिटिक्स, मूवीज़, खेल, इन सब से मैं खुद को दूर रखता हूँ और आपको भी दूर रखता हूँ, और आपके लिए हमेशा पढ़ाई की बातें की जाएंगी, पढ़े और पढ़ाने की वीडियोज़ बनाए जाएंगे। तो बेझिझक आप अपने कॉलेज ग्रुप में इसको भेज सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, देखेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग एक्शन रिसर्च के फर्स्ट यूनिट, जिसमें हम जानेंगे मापन, आकलन, मूल्यांकन का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और इनका आपस में संबंध, और साथ ही साथ हम जानेंगे सतत और व्यापक मूल्यांकन किसे कहते हैं। और एक और वीडियो में हम देखेंगे असेसमेंट्स के जितने भी फॉर्म होते हैं उद्देश्य के आधार पर, चाहे वो भविष्यात्मक हो, निधनात्मक हो, संरचनात्मक हो, योगात्मक हो, या फिर कंटेक्स्ट के आधार पर इंटरनल एक्सटर्नल हो, या फिर स्कोप के आधार पर मानव निर्मित हो या मानकीकृत हो, स्टैंडर्डाइज हो या टीचर मेड असेसमेंट हो, जितने भी फॉर्म होते हैं उन सबको देखेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, अगले वीडियो में। स्वागत रहेगा आप सभी का उस वीडियो में, मिलेंगे उसमें। जय हिंद, जय भारत। तब तक आप खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, कमेंट में अपनी राय प्रतिक्रिया देना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।